पूर्ण कार्यक्रम की संकल्पना सूत्र हमारे संकल्पनाधार, हमारी प्रेरणा हमारे निदेशक महोदय, परिसरीय निदेशक महोदय प्रोफेसर बनमाली बिस्वाल जी को मैं उनके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं और वह आज के इस उत्सव दिवस पर, हिंदी दिवस के उत्सव दिवस पर अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करेंगे। प्रोफेसर बनमाली बिस्वाल। वंदे हम राजभाषां च राष्ट्रभाषा स्वरूपिणीं व्यवहृतासु भाषासु विश्वेजा तृतीया मता साहित्यिक समृद्धिश्च जद भाषायाः महत्तमा तां च हिंदी भाषां वंदे संस्कृत परिपोषितां संस्कृतस्य चजा पुत्री श्रेष्ठा ज्येष्ठा विशेषतः हिंदी भाषां चतां वंदे भाषाणां भगिनीं पुनः। हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के अंतर्जालीय इस कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सभी महानुभावों का हार्दिक एवं स्वागत एवं अभिनंदन। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर राज भारद्वाज जी, प्राचार्य भगिनी निवेदिता कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय, मुख्य वक्ता डॉक्टर कुसुमलता जी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय, हमारे परिसर के आचार्य प्रोफेसर विजयपाल शास्त्री जी, डॉक्टर सच्चिदानंद स्नेही जी, डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा जी, शैलेंद्र प्रसाद उनियाल जी, डॉक्टर अनिल कुमार जी, डॉक्टर सुरेश शर्मा जी, सभी में डॉक्टर लगा हुआ है, बार बार डॉक्टर नहीं बोलूँगा, श्री ओम शर्मा जी, दिनेश चंद्र पांडेय जी, श्री पंकज कोटियाल जी, अरविंद गौड़ जी, नवीन डोबरियाल जी, गौतम चौधरी जी, मनीष शर्मा, अमंद मिश्र, मधुसूदन पांडे, जनार्दन सुबेदी, संचालक डॉक्टर अभिदेश बिजलवान जी तथा संयोजक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह बर्तवाल जी तथा परिसर के सभी अन्य आचार्य प्राध्यापक, मुझे लगता है कि सभी का नाम मैंने ले लिया, अगर किसी का छूटा है तो मैं इसको भी इसमें सम्मिलित करता हूं, और सभी परिसर के सभी शोध छात्र छात्र एवं अन्य कर्मचारीगण। आज हिंदी पखवाड़ा का उद्घाटन समारोह है। आज से एक पक्ष तक देश भर में हिंदी पखवाड़ा मनाया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे परिसर के हिंदी पखवाड़ा के कार्यक्रम चार भागों में विभक्त हैं, जैसे कि संयोजक अभी बता रहे थे। आज उद्घाटन समारोह और 28 को समापन समारोह होगा तथा मध्य में कुछ प्रतियोगिताएं होगी और हिंदी कवि सम्मेलन भी होगा। उद्घाटन समारोह से लेकर आगे के सभी कार्यक्रमों में जो कुछ बोलूंगा हिंदी में ही बोलूंगा, मंगलाचरण को छोड़कर। ऐसे भी हिंदी मेरी ही नहीं किंतु हम सबकी प्रिय भाषा है। इसे बोलने में हमें न कोई संकोच, न कोई झिझक, न कोई हिचकिचाहट। बोलते बोलते कोई अति प्रचलित उर्दू शब्द आ भी जाए तो उसे हिंदी ही माना जाना चाहिए, पर मैं सोद्देश्य कोई उर्दू शब्द का भी प्रयोग नहीं करूंगा, किंतु ऐसे उर्दू शब्द जो हिंदी में घुल मिल गए हैं उन्हें हिंदी से अलग करना मुश्किल है। जैसे कि मैंने अभी मुश्किल शब्द का प्रयोग किया,
पता ही नहीं लगता है वे शब्द हिंदी के हैं या उर्दू के। जैसे कि डॉक्टर कुसुमलता जी बता रही थी, हिंदी ने बहुत सारे शब्दों को, बहुत सारी अन्य भाषाओं के शब्दों को अपना लिया है, आत्मसात कर लिया है। व्याकरण की दृष्टि से उर्दू एवं हिंदी की समानता रही है। एक विशाल संख्या में लोग हिंदी और उर्दू दोनों को बोलते हैं और समझते भी। केवल उर्दू ही क्यों, हिंदी ने अनेक संस्कृत शब्दों को हूबहू आत्मसात कर लिया है, जिसे हम भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से तत्सम श्रेणी में रखते हैं। चूंकि आज हिंदी पखवाड़ा का कार्यक्रम है, अतः हिंदी भाषा के वैशिष्ट्य के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। पर संस्कृत के विद्यार्थी होने के कारण प्रसंगतः संस्कृत के साथ इसके संबंध को भी कुछ खुलासा करना चाहूंगा। वस्तुतः हिंदी ही नहीं किंतु सभी भारतीय भाषाओं की तकनीकी शब्दावली या पारिभाषिक शब्दावली संस्कृत से ही व्युत्पन्न किए गए। अपने मंगलाचरण में मैंने हिंदी के लिए राजभाषा शब्द का प्रयोग किया। भारतीय संविधान की धारा 343, 348 दो तथा 351 का सारांश यह है कि देवनागरी लिपि में लिखी और मूलतः संस्कृत से अपनी पारिभाषिक शब्दावली लेने वाली हिंदी राजभाषा है। भारतीय परंपरा मानती है कि भाषा में न कभी विभेद था और न है। जो ऐसा मानते हैं वे वस्तुतः भाषा के विकास से अनभिज्ञ हैं। इस प्रकार संस्कृत भाषा की शब्दावली और व्याकरण का प्रयोग भारतीय भाषाओं की पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में अपरिहार्य है। माना जाता है कि हिंदी विश्व की आत्मा है, और हम संस्कृत की बात अभी नहीं कर रहे हैं। जो संस्कृत के प्रसंग में कहते हैं वे बातें कभी कभी हिंदी के साथ भी सही बैठती है। पर विश्व में प्रचलित 2700 भाषाओं में संस्कृत एकमात्र सबसे प्राचीन भाषा है। मानक हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है एवं भारत की राजभाषा है, जैसा कि हम अभी बता रहे थे। हिंदी हिंदुस्तानी भाषा की एक मानकीकृत रूप है, जिसमें संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक है और अरबी फारसी आदि शब्दों का प्रयोग कम है। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा और भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। वैश्विक स्तर में बात करें तो हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने भाषा है, पहली चीनी, दूसरी अंग्रेजी, पर यह समीकरण बदलता रहता है। हम आज जो बोल रहे हैं तीसरी भाषा है, हो सकता है कल हिंदी दूसरी भाषा रही, कभी दूसरी भाषा भी रही है, और कभी पहली भी हो सकती है। अभी जैसे वीरेंद्र भरतवाल जी बता रहे थे, वो चीनी को भी पछाड़ दी। विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार यह विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। इतनी विशेषताओं के साथ हिंदी इतनी विशेषताओं के बावजूद भी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं।
भारत की स्वतंत्रता के पहले और उसके बाद भी बहुत से लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा कहते आए। जैसे राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, राष्ट्रभाषा सभा पुणे आदि। वस्तुतः भारत के संविधान में किसी भी भाषा को ऐसा दर्जा नहीं दिया गया, वहां राष्ट्रभाषा का उल्लेख ही नहीं हुआ है। इसी दृष्टि से हिंदी को राष्ट्रभाषा कहने का कोई अर्थ नहीं। हिंदी को राष्ट्रभाषा कहने के लिए सबसे पहले महात्मा गांधी ने 29 मार्च 1918 को इंदौर में 8वें हिंदी साहित्य सम्मेलन में आह्वान किया था कि हिंदी को ही भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। उनके अनुसार हिंदी भाषा का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है। आजाद हिंद फौज का राष्ट्रगान शुभ सुख चैन भी हिंदुस्तानी में था, हिंदुस्तानी भाषा में था, अर्थात हिंदी में था। उनका अभियान गीत कदम कदम बढ़ाए जा भी इसी भाषा में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार 57% या तो कहे 57.1% भारतीय जनसंख्या हिंदी जानती है, जिसमें से 43% भारतीय लोगों ने हिंदी को अपनी मूल भाषा या मातृभाषा घोषित किया था 2011 की जनगणना के बाद कर। इसके अतिरिक्त कई अन्य देशों में भी करोड़ों लोग हिंदी बोलते हैं। प्रायः सभी वक्ताओं ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया है। 9 भारतीय राज्यों की आधिकारिक भाषा है हिंदी, जैसे कि बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं दिल्ली। ये सभी राज्यों में हिंदी आधिकारिक भाषा है। इन राज्यों की 14 आधिकारिक भाषाओं और क्षेत्रीय बोलियों, मतलब इसके साथ साथ कुछ क्षेत्रीय बोलियों को ले ले तो इनका उपयोग करने वाले लगभग 1 अरब लोग हैं जिनकी दूसरी भाषा हिंदी है। वस्तुतः हिंदी भारत में संपर्क भाषा का कार्य कर रहा है, जो वस्तुतः राष्ट्रभाषा कर सकती है। हिंदी की बोलियां भारत के विविध राज्यों में बोली जाती हैं। अन्य देशों में भी लोग हिंदी बोलते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं, जैसे कि फिजी, मॉरिशस, गयाना, सुरीनाम, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात आदि में बड़ी संख्या में लोग हिंदी का उपयोग करते हैं। एक तथ्य यह भी जानने में आया है कि अबू धाबी में हिंदी को न्यायालय की तीसरी भाषा के रूप में मान्यता मिली। अब इसे विशेषताओं के साथ जो हिंदी भाषा है, उससे जो हिंदी शब्द है उसकी उत्पत्ति एवं व्युत्पत्ति के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा और संस्कृत के साथ इसका संबंध को भी रेखांकित करना चाहूंगा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से अगर बात करें तो हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ये हिंद ईरानी शाखा के हिंद आर्य उपशाखा के अंतर्गत वर्गीकृत है। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है, जैसे कि प्रोफेसर विजयपाल शास्त्री जी अभी बोल रहे थे। सिंधु नदी को कहते हैं और उसी के आधार पर उसके आसपास की भूमि को सिंधु कहा जाता है। यह सिंधु शब्द ईरानी में जाकर के हिंदू, हिंदी और फिर हिंद हो गया।
ईरान की प्राचीन भाषा जो अवेस्ता है उसमें स की ध्वनि नहीं बोली जाती, स के स्थान पर ह का उच्चारण होता है, ह की तरह स की उच्चारण होता है, ऐसा भी कह सकते। जैसे संस्कृत शब्द असुर का अवेस्ता में अहुर ऐसा उच्चारण किया जाता है। अफगानिस्तान के बाद सिंधु नदी के इस बार हिंदुस्तान के पूरे इलाके को प्राचीन फारसी साहित्य में भी हिंद, हिंदुस आदि नामों से पुकारा जाता है। बाद में ईरानी धीरे धीरे भारत के अधिक भागों से परिचित होते गए और इस शब्द के अर्थ में विस्तार होता गया तथा हिंद शब्द पूरे भारत का वाचक बन गया। इसी में ईरानी का एक प्रत्यय लगाने के बाद हिंद एक ऐसा संयुक्त होकर के हिंदी के बना है, जिसका अर्थ है हिंद का, हिंदी शब्द का अर्थ है हिंदी, हिंद का। यूनानी शब्द इंडिका या लैटिन शब्द इंडिया या अंग्रेजी शब्द इंडिया आदि इससे हिंदी के ही दूसरे रूप में है। हिंदी भाषा के लिए इस शब्द का प्राचीनतम प्रयोग शरफुद्दीन यजदी के जफरनामा में मिलता है। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है। अपभ्रंश की अंतिम अवस्था अवहट्ठ से हिंदी का उद्भव और स्वीकार किया जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अवहट्ठ को पुरानी हिंदी का नाम दिया है। हिंदी का स्वरूप सोरोसेनी और अर्धमागधी अपभ्रंशों से विकसित हुआ है। 1000 ईस्वी के आसपास इसकी स्वतंत्र सत्ता का परिचय मिलने लगा था, जब अपभ्रंश भाषाएं साहित्य के संदर्भ में प्रयोग में आ रही थी। यही भाषाएं बाद में विकसित होकर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का रूप में अभिहित हुई। अपभ्रंश का जो भी कथ्य रूप था वही आधुनिक बोलियों में विकसित होता गया। अपभ्रंश के संबंध में देसी शब्द का भी बहुधा प्रयोग होता है। भरत मुनि में अपने नाट्यशास्त्र में उन शब्दों को देसी कहा है जो संस्कृत के तत्सम एवं तद्भव रूपों से भिन्न है। तत्सम तद्भव शब्द तो संस्कृत के ही माने जाएंगे, लेकिन उससे जो भिन्न शब्द है वो देसी शब्द। ये देसी शब्द जनभाषा के प्रचलित शब्द थे जो स्वभावतः अपभ्रंश में भी आते गए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जनभाषा व्याकरण के नियमों को अनुसरण नहीं करती, परंतु व्याकरण को जनभाषा की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना पड़ता है। आज बहुत सारे बोलियां हैं जिसका व्याकरण नहीं है, लेकिन वो बोली जिस भाषा की है उस भाषा में उस बोली के जो व्याकरण को विकरण व्याकरण का विश्लेषण अवश्य किया जाता है। प्राकृत व्याकरणों ने संस्कृत के ढेरों ढांचे पर व्याकरण लिखे और प्राकृत का व्याकरण पूरा तत्सम अब संस्कृत के जैसा आपको प्राकृत व्याकरण में मिलेगा और संस्कृत को ही प्राकृत प्राकृत भाषा की प्रकृति मानी गई है। वो एक अलग तथ्य है। कुछ लोग प्राकृत को ही प्रकृति मानते हैं, प्रकृतो भवम प्राकृतम, तो कहते हैं कि जो प्रकृति है जो मूल है वो प्राकृत है, संस्कृत तो संस्कृत है, शुद्धीकृत है, संशोधित है। ये भी अपना एक पक्ष है, लेकिन हम सामान्यतः संस्कृत के विद्यार्थी हम इसी तथ्य को ज्यादा पसंद करते हैं और मानते भी हैं कि प्राकृत भाषाओं की
उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है। अतः जो शब्द उनके नियमों की पकड़ में ना आ सके, तो मतलब संस्कृत से जिसकी संबद्धता ना बनाया जा सके, उन्हीं शब्दों को देसी की संज्ञा दी गई। भाषा शास्त्र के अनुसार हिंदी के चार प्रमुख रूप हैं, और भी अन्य रूप हैं, जो प्रमुख रूप की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे मानक हिंदी, हिंदी का मानकीकृत रूप वो है जिसकी लिपि देवनागरी में होता है, और इसमें संस्कृत भाषा के कई शब्द हैं जिन्होंने फारसी और अरबी के कई शब्दों की जगह ले ली। तो संस्कृत भाषा के शब्द जहाँ अरबी और फारसी शब्दों की जगह ले ली है, ऐसे जो भाषा है, ऐसी जो भाषा का रूप है, वो मानकीकृत हिंदी या मानक हिंदी, इसे शुद्ध हिंदी भी कहते हैं। और यह खड़ी बोली पर आधारित है। तो खड़ी बोली वो भाषा है जो दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। और दूसरा जो रूप है हिंदी का, वो दक्षिणी उर्दू हिंदी का वह रूप है जो हैदराबाद और आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें फारसी अरबी के शब्द उर्दू की अपेक्षा कम होते हैं। और एक रूप है रेखता, वो रेखता उर्दू का वह रूप है जो शायरी आदि में प्रयुक्त होता है। और उर्दू हिंदी का वह रूप है जो देवनागरी लिपि के बजाय फारसी अरबी लिपि में लिखी जाती है। इसमें संस्कृत के शब्द कम होते हैं और फारसी अरबी के शब्द अधिक होते हैं। यह भी खड़ी बोली पर आधारित है माना जाता है। और समय अधिक हो गया है क्योंकि आप लोग 11 बजे से जुड़े हुए हैं, अधिक नहीं बोलना है। अंत में केवल संस्कृत एवं हिंदी के संबंध को थोड़ा सा बताते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। संसार की प्राचीनतम भाषा संस्कृत है, तो आधुनिक भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली, समझी जाने वाली भाषा आर्य भाषा हिंदी। अतः हिंदी को संस्कृत की पुत्री कह सकते हैं। और पुत्री जैसे आपने मंगलाचरण में हमने बताया, ज्येष्ठा पुत्री, श्रेष्ठा पुत्री, ऐसा आप कह सकते हैं। केवल हिंदी ही नहीं, अन्य भारतीय भाषाओं की यही स्थिति है। वे भी भाषाएं संस्कृत की ही पुत्रियां हैं। हिंदी में संस्कृत के अधिकांश शब्दों का प्रयोग किया जाता है, पर संस्कृत के अपेक्षा सरल होने से हिंदी पूरे देश में लोकप्रिय भाषा बनी हुई। वस्तुतः ये दोनों ही भाषाएं हमारे देश की आत्मा और अस्मिता होने के साथ साथ विश्व के अन्य देशों में हमारे देश की पहचान भी बनी। जैसे संस्कृत हमारे देश की पहचान बनी है, वैसे हिंदी भी हमारे देश की पहचान बनी हुई है। संस्कृत कोई साधारण और सामान्य भाषा नहीं है, यह भाषा है जो सृष्टि के आरंभ में हमें ईश्वर से परस्पर व्यवहार करने के लिए, ईश्वर से परस्पर संबंध करने के लिए हमें ये भाषा मिली है। तो सुर भाषा, देव भाषा हम कहते हैं। यह एक ऐसी भाषा है जिसे मनुष्य स्वयं निर्मित नहीं कर सकता है। इसमें अनेक विशेषताएं हैं जो संसार की अन्य भाषाओं में नहीं। यह भाषा सबसे अधिक प्राचीन है और संसार के सभी भाषाओं की जननी है, जो हम अपने वक्तव्य में कई बार बता चुके हैं। संसार की सारी भाषाएं संस्कृत से ही उत्पन्न होकर अस्तित्व में आई हैं, यह तथ्य हम स्वीकार करते हैं और उसको बताने में हमें कोई संकोच नहीं है। आज समाचार पत्र में एक समाचार पढ़ने में आया है कि मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि तमिल ईश्वर की भाषा है और इसका प्रयोग मंदिर में होना चाहिए।
वस्तुतः तमिल ही नहीं किंतु संस्कृत की तरह हिंदी समेत अन्य भारतीय भाषाएं भी ईश्वर की ही भाषा है। वस्तुतः हम जिन दृष्टियों से संस्कृत का आदर करते हैं उन्हीं दृष्टियों से हिंदी का तथा अन्य भारतीय भाषाओं का भी आदर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। आप सभी ने मुझे धैर्य पूर्वक सुना, इसलिए मैं सभी का, विशेषकर जो आज के हमारे मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता जो हमें उद्बोधित कर अनुग्रहित किए, आप सभी का एक बार परिसर की ओर से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को पुनः विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे निदेशक प्रोफेसर हनुमानी जसपाल जी का। गुरु जी ने जो भाषा का उद्भव और उसका संबंध बताया, सारा जहां ये जानता है यही हमारी पहचान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर आपका।